बागपत में दिन दहाड़े शहर कोतवाली पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दो गौ तस्कर गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका उपचार जारी। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से एक सेंट्रो कार, दो तवंचे और गौवंश कटान के उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस तस्करों का क्राइम इतिहास खंगालने में जुटी है। बागपत कोतवाली इंचार्ज MS गिल की टीम को बड़ी सफलता मिली। पकड़े गए तस्करों के नाम रासीहू और भूरा बताया गया। रासीहू बागपत के रटोल गांव का रहने वाला है, जबकि भूरा रसूलपुर बुढ़ाना का रहने वाला। दोनों तस्करों पर गौ कटान के पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस क्राइम इतिहास खंगालने में जुटी है। आज दिनांक 3 जून 2023 को सुबह करीब 5:15 बजे माता कॉलोनी पुस्ता के पास थाना कोतवाली बागपत पुलिस तथा गोकसी करने वाले बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हमारा एक साथी पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान भूरा पुत्र यामिन निवासी रसूलपुर बुढ़ाना मुजफ्फरनगर तथा रईसू पुत्र सीनू निवासी रटौल बागपत के रूप में हुई है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एक सेंट्रो कार जिसमें करीब 3 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 अवैध छुरी तथा 1 कुल्हाड़ी आज बरामद हुई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक बताने कार्रवाई की जा रही है।